गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. चैप्टर नंबर 9 उपकार हत अस्तु कर्तव्य. सो उपकार हत तु कर्तव्य. सो हियर देयर इज अ विसर्ग शब्द, विसर्ग संधि ऑल्सो, अव्यय पद ऑल्सो. उपकार से कैसे किसी को मार सकता है. सो दैट थिंक दैट मोरल वी आर लर्निंग इन दिस स्टोरी. मृच्छकटिका वैश्वद्रक इज अ किंग ऑफ एल्गोरिकल ड्रामा. The theme is based on the lives of ordinary people in society. Here, in this lesson, they are showing common people life. So, what thing is happened which is very uncommon in the life? That story we are learning here. As the protagonist, we have Charudatta, who was once a wealthy person but is now poor. Charudatta is the hero of this theme, and he is right now very poor. But first he was very wealthy person. As the heroine is a rich courtesan, Vasanti Sena. Hero kon tha? Charudatta. And who is the heroine? Vasanti Sena. Both are in a relationship. But there is one villain also. The imaginative portrayal of their love by Shudra makes this work an unique one. This excerpt is taken from the 10th act of Mruchkatika. Shakra, why he is speaking? Because Sakar in place of Sa, he is speaking Sha. So he is called Shakara. The brother-in-law of the king kills Vasant Sena by suffocating her. Shakar was the brother-in-law of king. So main thing is what? Va Raja ka Sala tha, brother-in-law. Kills Vasant Sena by suffocating her. तो उसके हाथ पे पावर तो होती है. एंड वॉट ही इज डूइंग, वो उसको गला दबा कर मार देता है. टू हुम? टू वसंत सेना. एंड वसंत सेना हु इज शी? शी इज अ फ्रेंड ऑफ अ चारुदत्त. फॉर द क्राइम कमिटेड बाय हिम, और उसका इल्ज़ाम जो वसंत सेना की जो मृत्यु घोषित होती है, तो मृत्यु का आरोप किस पर लगता है? चारुदत्त पर. सो बोथ आर इन रिलेशनशिप, बट वॉट डज हैपन, उसकी जो मृत्यु का आरोप होता है वह चारुदत्त पर लगता है. शकरा पुट्स अ ब्लेम ऑन चारुदत्त. चारुदत्त इज सेंटेंस टू डेथ. उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो लग भी जाता है, और उसको सजा देने के लिए ले जाते हैं, और मृत्यु का दंड भी मिलता है. फॉर्चुनेटली वसंत सेना इज अलाइव. लकीली वसंत सेना गला घोट कर मरी नहीं थी, वह जीवित थी. By coincidence, there is a change of kinship. Suddenly, what thing is happening? जो राजा होता है, जिसका साला था शकार, वह चेंज हो जाता है, और अथॉरिटी जो होती है वह बदल जाती है. मोर ओवर द फैक्ट दैट चारुदत्ता डिड नॉट ट्राई टू किल, बट दैट इट वॉज शकार ऑल्सो कम्स टू लाइट. फैक्ट क्या था कि चारुदत्त डिड नॉट ट्राई टू किल, बट इट वॉज शकार ऑल्सो कम्स टू लाइट. और जो सही सत्य है वह लाइट में आता है, दैट शकार हैज किल्ड दैट वसंत सेना. एंड सो शकार हु इज नाउ एन ऑर्डिनरी सिटीजन इज अरेस्टेड. बोलते ना कि जिसका वो राजा का ब्रदर इन लॉ था, तो जैसे कि पूरी पावर उसके हाथ में थी, अगर वो किसी को मारता भी है तो उसका गुना साबित नहीं होता था. बट चारुदत्त वॉज बिकम रिसेंटली पुअर. सो बिकॉज ऑफ दैट थिंग वह उसकी डेथ की सेंटेंस वो भुगत रहा था. सो द कन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस टू डिसाइड वॉट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू शकार इज एडिटेड एंड प्रेजेंटेड हियर. तो पनिशमेंट क्या दी जाए, दैट सीन इज डिस्क्राइब्ड हियर. दोज इन पावर मे सक्सेड इन हैरेसिंग द कॉमन इनोसेंट पीपल फॉर सम टाइम, but in the end it is themselves who will be harassed. Sometimes what does happen, jiske paas power hoti hai, they are completely doing their harassment to others, harassing the common people, because they knows very well that they are common people, they cannot do anything. Agar wo hum usko harass karte bhi hai, hum usko pareshan karte bhi hai, to wo kuch nahi kar sakte, because we are the authority. So they will not do, they cannot do anything. Innocent people for some time, but in the end it is they themselves who will be harassed. Moreover,
द गुड पर्सन हु कम्स टू पावर. जब क्या होता है कि जब अच्छा व्यक्ति होता है उसके हाथ में जब पावर आ जाती है, डज नॉट हार्बर एनी फीलिंग ऑफ रिवेंज टुवर्ड्स द पर्सन्स हु हैड हार्म हिम अर्लियर. एक सही इंसान होता है, जो एक उम्दा इंसान होता है, एक आदर्श इंसान होता है, अगर उसके हाथ में अथॉरिटी आ भी जाती है तो दे विल नॉट टेक रिवेंज व्हाट थिंग डज हैपन बिफोर विथ हिम. वो उसका बदला नहीं लेगा. ही विल फॉरगिव ओनली टू देम. सो दैट थिंग्स इज डिपिक्टेड हियर. सो हार्बर एनी फीलिंग ऑफ रिवेंज टुवर्ड्स द पर्सन्स हु हैड हार्म हिम अर्ली. वो बदला नहीं लेगा. दे विल फॉरगिव एंड टू गिव टू फॉरगिव समवन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. Instead, he has a feeling of a pardon and helpfulness, and that is the moral that we get from this dialogue. So that kind of moral we are learning here. Moreover, how in a Sanskrit the indeclinable is used to express feelings felt is also to be learned here. Indeclinable मैंने जैसा आपको बताया था कि उसका अगर भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, अगर भविष्यकाल होता है, सो दैट वर्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज. दैट इज अ इंडिक्लेमेबल वर्ड, दैट इज अवे वर्ड. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट लेसन. नेपथे इन अ कर्टन, अरे रे राष्ट्रीय शालक. सो बिहाइंड द कर्टन ओ यू किंग्स ब्रदर इन लॉ. राष्ट्रीय शालक मीन्स किंग्स ब्रदर इन लॉ. एही एही कम हियर कम हियर. स्वस्य अविनस्य खुद का किया हुआ क्राइम. ऑफ योर ओन क्राइम वॉट यू हैव डन क्राइम फॉर दैट थिंग. फॉलो अनुभव. लेट्स ट्राई द फ्रूट्स ऑफ वॉट थिंग यू हैव डन. अच्छा करता है तो फल अच्छा मिलता है, अगर बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है. बट वॉट एवर थिंग्स यू हैव डन बिफोर, अब उसका फल भी भुगतो. बिकॉज ऑफ यू सम इनोसेंट पीपल वॉज सेंट इन अ जेल. सो अब उसकी जगह पर अब तुम्हें सजा मिलेगी. ततः प्रविशति पुरुषेर अधिष्ठितः पश्चात बाहुबद शकारः. ततः देन प्रविशति मीन्स एंटरिंग. देन एंटर्स हु एंटर्स शकार. पुरुषेर अधिष्ठितः मीन्स प्रोटेक्टेड बाय पोलिसमैन, जिसको सैनिक बोलते हैं. सैनिक की जो सेना होती है उससे घिरा हुआ. पश्चात बाहुबद. पश्चात यानी पीछे, बाहु यानी हैंड्स, और बद यानी बंधे हुए. ही इज टेकन बाय द गार्ड्स और विद द हैंड्स टाइड ऑन द बैक. हु शकार. शकार जो पीछे हाथ बांधकर उसको प्रेजेंट किया गया. नाउ शकार दिशा अवलोक्य. हियर देयर इज अ शब्द शब्द दिशो अवलोक्य. सो लुकिंग टू द स्टेज मीन्स ही इज लुकिंग जीरो साइड मीन्स ही इज लुकिंग इन डिफरेंट साइड. समन्ततः ऑन ऑल साइड्स उपस्थित एष राष्ट्रीय बंध. उपस्थित यानी जो उपस्थित हुआ है वह राष्ट्रीय बंध. बंध यानी भाई. राष्ट्र यानी जो राजा है उसका बंधु है, उसका सगा है, यानी इज द रिलेटिव ऑफ द किंग. तत् किम इदानीम अशरण शरण व्रजामि. हियर देयर इज अ थ्री वर्ड. तत् कम इदानीम. सो नाउ टू हुम. अशरण हेल्पलेस. शरण मीन्स टू डू हेल्प. व्रजामि शरण व्रजामि मीन्स शुड बी अप्रोच फॉर प्रोटेक्शन. सो नाउ वन हेल्पलेस पर्सन हैज कम टू द अथॉरिटी, टू द वेरी हेल्पफुल पर्सन, एंड ही शुड बी प्रोटेक्टेड बाय देम. विचिंत्य हैविंग थॉट भवतु लेट इट बी. शरण वत्सलम गच्छामि. शरण वत्सलम दोज हु इज कम टू आस्क हेल्प टू अस. सो दोज हु अप्रोच हिम फॉर प्रोटेक्शन. विथ हुम? विथ चारुदत्त. चारुदत्त को पहले बहुत बुरी तरह से फंसाया था. नाउ द थिंग हैज चेंज. पूरा पासा पलट गया है. अब शकार चारुदत्त की माफ़ी मांग रहा है. फर्स्ट चारुदत्त वॉज सेंटेंस बिकॉज ऑफ किलिंग वसंत सेना, which actually he has not done. He was stabbed by them. But now thing is different, were totally differently changed. Iti upsrutya. Iti upsrutya means thus approaching means Arya Charudatta. Means Arya Charudatta.
परित्रयावस्य परित्रयावस्य इति पादयो व्हाट डज ही सेड परित्रायस्य परित्रायस्य मीन्स सेव मी इति पादयो पतति इति यह बोलने के साथ पादयो पतति पादयो हो इट इज़ अ सप्तमी द्विवचन ही फॉल्स एट द फीट ऑफ हूम एट द फीट ऑफ चारुदत्त नेपथ्ये बिहाइंड द कर्टन आचार्य चारुदत्त मूंछ मूंछ मीन्स लीव हिम व्यापदयम एन मीन्स लेट्स किल दिस मैन सो हियर चारुदत्त स अनुकंपा स अनुकंपा यानी सहानुभूति के साथ कंपेशनटी कंपेश बड़े ही कंपेशंस के साथ सहानुभूति के साथ अह हह विथ अ वेरी पीटी ओ माई गॉड ओ ओ वेरी फीलिंग सो पीटी ऑन हिम अभयम अभयम शरणागतस्य व्हाट इज सेइंग अभयम अभयम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम फियर टू द वन हु हैज अप्रोच फॉर प्रोटेक्शन यानी जो डर से डरता हुआ आया है उसके लिए मैं फ्रीडम उसको दिलाने आया हूँ दोज हु हैज कमिंग इन माई प्रोटेक्शन शर्विलक शर्विलक ही इज़ द फ्रेंड ऑफ अ चारुदत्त सो ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट स आवेगम एंग्रीली आ अपनीयताम अयम चारुदत्त पाश्चात मीन्स आ मीन्स ओ अपनीयताम अयम मीन्स लेट दिस मैन बी टेकन अवे और उसको क्या करेंगे चारुदत्तस्य पाश्चम फ्रॉम नियर चारुदत्त इस इंसान को चारुदत्त के नज़दीक भी नहीं आने देना चाहिए लेट हिम टेक अवे फ्रॉम हिम फ्रॉम हुम फ्रॉम चारुदत्त चारुदत्तम प्रति ही इज टेलिंग टू द चारुदत्त ननु चेतम ननु चेतम इट इज़ द संधि शब्द ननु उच्यतम मीन्स प्लीज टेल किमस्य पापस्य अनुष्ठीयतामिति उसको कौन से प्रकार का दंड दिया जाए इसके पाप का हमें क्या उसका दंड देना चाहिए ननु चेतम किमस्य पापस्य यानी ऑफ दिस सिनर जो ये पापी है पापस्य यानी जो पाप करने वाला है उसको कौन सा दंड दिया जाए टू दिस सिनर अनुष्ठीयता मीन्स शुड बी डन इज टेलिंग दैट विच काइंड ऑफ पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम उसको उसको कौन सी सजा देनी चाहिए आकर्षंतु 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 शुद्ध वेनम श्वभि मीन्स लेट हिम ड्रैग हिम शीड ही टाइटली उसको बांधकर उसको दूर तक घसीटा जाए जब तक उसके प्राण न जाए श्वभि सखान संखा दताम अथ मीन्स ही शुड बी डिवर्ड बाय द डॉग्स उसको डॉग्स जो होते हैं उसको खिलाया जाए शूलेवा तिष्ठता मेष मीन्स और शुड बी ही स्टे ऑन द स्टैक यानी उसको शूली से जो तीर होते हैं उससे मारा जाए जो भाले होते हैं उससे मारा जाए और अदरवाइज पाटेताम क्रकचेन वा पाटेताम मीन्स उसको करवत से काटा जाए क्रकचेन मीन्स वॉट करवत करवत से या तो उसको काटा जाए या तो उसको कुत्तों को खिलाया जाए और या तो उसको रस्सी से बांधकर बुरी तरह से खींचा जाए सो ही शुड बी फील ही शुड फील पेन उसको जो पेन है उसका अनुभव करना चाहिए कि जब कोई इनोसेंट पीपल जो होता है वह अगर ऐसे झांसे में आता है ऐसी तरह फंस जाता है तो ही शुड बी गो थ्रू दिस थिंग उसको भी यह एहसास होना चाहिए कि तकलीफ में आना क्या होता है चारुदत्त किमहम यद ब्रविमि तद क्रियते किमहम मीन्स वॉट वुड आई से बी दैट इज गोइंग टू बी डन अगर मैं बोलूँगा वह होगा हु इज स्पीकिंग चारुदत्त वुड वॉट आई से इज टू बी डन और नॉट मीन्स इज टेलिंग अगर जो मैं बोलूँगा वह हो सकता है शर्विलक को अत्र संदेह मीन्स वॉट इज द डाउट यहाँ पर आपको कोई शंका है इज देर एन डाउट हियर शकार भट्टारक चारुदत्त शरणगतो अस्मि मास्टर चारुदत्त आई हैव अप्रोच यू फॉर प्रोटेक्शन हु इज स्पीकिंग शकार भट्टारक यानी महा मास्टर जब उसने उसको फंसा दिया था तब उसके लिए वह बड़ा ही तुच्छ इंसान था बट नाउ
ही इज़ गोइंग टू ट्रैप हिम इन अ वेरी सॉफ्ट वर्ड्स तत परित्रायस्व मीन्स सो सेव मी यतव सदशम तत्कुरु डू वॉट बिकम्स यू पुननम इदशम करिष्यामि आई शैल नॉट डू लाइक दिस अगेन पुनन यानी अगेन इदशम दिस थिंग करिष्यामि आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग अगेन नेपथे इन अ कर्टेन पोराह व्यापादतः मीन्स इन द कर्टेन व्यापाद यानी जो सिटीजन्स होते हैं वो क्या बोलते हैं लेट ही शुड बी किल हिम की निमित्तम पातकी जीवित पातकी यानी जो सिनर होता है जो क्रिमिनल होता है दे शुड नॉट बी अलाइव दे शुड बी डाई जो पापी होते हैं पातकी होते हैं दोज हुआ क्रिमिनल दे शुड नॉट बी अलाइव मीन्स उनको मरना चाहिए शर्विलक अरे रे अपनयत ओ यू टेक हिम अवे आचार्य चारुदत्त अरे रे अपनयत ओ यू टेक हिम अवे उसको लेकर चले जाओ यहाँ से आर्य चारुदत्त ही इज टेलिंग टू चारुदत्त शर्विलक इज अ फ्रेंड ऑफ चारुदत्त और वह शकार का हाथ पकड़ के बोलता है इसको यहाँ से ले जाओ नोबल चारुदत्त आज्ञाप्यतम प्लीज गिव सम ऑर्डर किमत से पापस से अनुष्ठेयतम उसका उचित दंड क्या होगा प्लीज ऑर्डर व्हाट शुड बी डन विथ दिस सीनर ये शकार जो है जिसने आपको बुरी तरह से फंसाया था आप उसकी वजह से उसने गलती की थी और आपको सजा भुगतनी पड़ी सो टेल व्हाट शुड बी डन टू हिम चारुदत्त किमह यद ब्रवीमि तत् क्रियते सो ही इज टेलिंग व्हाट वुड आई से टू बी डन मैं जो बोलूँगा वह क्या करोगे आप चारुदत्त सिंह वुड व्हाट आई से इट्स टू बी डन शर्विलक को अत्र संदेह व्हाट डाउट हियर आपको कोई शंका है कि अगर ये सब नहीं होगा चारुदत्त सत्यम ट्रू रियली चारुदत्त सत्यम क्या ये ऐसा ही होगा जो मैं बोलूँगा शर्विलक सत्यम ट्रू आप जो बोलोगे दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन मीन्स आप जो बोलोगे वही होगा हम आपसे बिल्कुल अगेंस्ट में जाकर कुछ भी उसको पनिशमेंट नहीं देंगे जो आप बोलोगे मगर बहुत बुरी तरीके से हम उसको पनिश करना चाहते हैं चारुदत्त यदेव शीघ्रमयम यदेव मीन्स इफ सो क्विकली दिस वन अगर यही है तो मैं बोलता हूँ वही करो ये एक चीज़ जल्दी करो शर्विलक उसको बीच में से रोक कर बोलता है मीन्स चारुदत्त सेइंग के इफ़ यू रियली आप मेरी बात मानना चाहते हो इफ आई एम सेइंग वॉट एवर थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू विथ हिम सो डू इट दिस थिंग इमिजिएटली और शर्विलक उसकी बात को काट कर क्या बोलता है वॉट शुड बी किल्ड ही इज टेलिंग के क्या उसको मार दें आप वही करोगे ना उसके साथ मुझे पता है कि आप वही करोगे क्योंकि उसने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया सो दैट थिंग ओनली यू आर गोइंग टू डू विथ हिम सो शर्विलक ने उसका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया ही इज जस्ट टेलिंग दैट डू दिस थिंग टू हिम इमीजिएटली एंड शर्विलक इन बिटवीन ही इज स्पीकिंग रियली ही शुड बी किल्ड नाउ चारुदत्त सिंह नहीं मुचेताम नहीं नो नॉट एट ऑल मुचेताम लेट इट हिम बी रिलीज्ड उसको छोड़ दो लेट हिम गो अवे शर्विलक कहा किम अर्थम फॉर वॉट वाई वी शुड लिव हिम ये छोड़ने के लायक ही नहीं है उसने ऐसा काम किया है कि ही शुड नॉट बी गो एट होम उसको यहीं पर ही रहना पड़ेगा चारुदत्त शत्रु कृत अपराध शरण उपत्यय पादयो पतित शस्त्रेण न हंतव्य शत्रु जो दुश्मन होता है खास करके जो दुश्मन होता है कृत अपराध वो इज कमिटेड एन ऑफेंस उसने जो काम किया है अगर वह उसकी गलती मानता है ही इज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक एंड एनिमी दैट इज ऑल्सो एनिमी अगर दुश्मन अपनी खुद की गलती मानता है शरण उपत्यय पादय और आपके वह शरण में आया है और ही इज़ ऑन योर फीट ही इज़ फॉलन ऑन योर फीट पतित यानी वो आपके चरणों में आकर आपके लिए प्रोटेक्शन की भीख मांग रहा है वो प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा है कि हमें बचाओ शस्त्र ने न हंतव्य सो ही शुड नॉट बी किल्ड विथ अ वेपन वो हथियार से मरने के लायक नहीं होता है और स्पेशली जब शत्रु जो दुश्मन
पक्ष से जो आता है, अगर वो हमें शरण मांगता है और वो अपने किए पर पछता रहा है तो उसको मारना नहीं चाहिए। ही शुड नॉट बी किल्ड बाय अ वेपन शर्मिला कह एवं ऑल राइट तही स्व भी खा देता। अगर मारना नहीं है नो प्रॉब्लम, वी विल गिव हिम टू द डॉग्स, लेट हिम बी इटन बाय डॉग्स, उसको हम जो कुत्ते होते हैं उसको खिला देते हैं। देन लेट हिम बी इटन बाय डॉग्स। चारुदत्ता नहीं, मारने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको खिला दूंगा डॉग्स को। दिस इज़ नॉट प्रॉपर वे टू फॉरगिव हिम। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू फॉरगिव हिम वी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, वी विल लीव ओनली टू हिम, हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे विदाउट एनी हार्म, वी विल लीव हिम लाइक दैट ओनली। शर्मिला कह एवं तही शर्बी खा देता। ऑल राइट देन लेट हिम बी इटन बाय डॉग्स। चारुदत्ता नहीं, नॉट रियली, नॉट इंडीड। उप हियर नाउ द टाइटल हैज़ प्रूव्ड, उपकार तस्तु कर्तव्य, मीन्स उपकार करके किसी को शर्म से मारना चाहिए। बोल के लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी नहीं मिलता है, मगर अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो उसका जो बदला होता है ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको लड़ाई झगड़ा करके ही समाप्त करें। कभी कभार माफ़ी मांगने से सामने वाला का हृदय परिवर्तित हो जाता है। सो मार का बदला मार, दुश्मनी का बदला दुश्मनी, खून का बदला खून, ये नहीं होता है। समटाइम्स वी हैव टू फॉरगिव देम। सो उपकार करके भी उसको मारा जा सकता है। ही शुड बी मैड ऑन किल्ड बाय ऑब्लिगेशन, मीन्स उपकार करके उसको शर्म से मार देंगे, दैट विल बी द प्रॉपर वे। शर्मिला कह अहो आश्चर्य, मीन्स ओह व्हाट अ सरप्राइज, आपने तो बहुत ही अलग रास्ता निकाला। किम करो मी, व्हाट शुड आई डू। वदतु आर्यः, मीन्स वदतु आर्यः, हियर सती शब्द से वदतु आर्यः। चारुदत्तः तन मच्युतन मुच्यता, मीन्स सो लेट हिम बी रिलीज, मुच्यता मीन्स टू लेट हिम बी फ्री। सो लेट हिम तन यानी उसको, सो लेट हिम बी रिलीज्ड। शर्मिला कह मुक्तो भवतु, मुक्त भवतु लेट हिम बी फ्री। शर्मिला इज एक्चुअली ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ अ चारुदत्त, बिकॉज ऑफ हिज हैरेसमेंट ही इज रेडी टू बीट हिम और किल हिम, बट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ चारुदत्त ही हैज़ टोल्ड हिम टू बी फ्री, लेट हिम गो अवे, एंड बाय हैवी हार्ट ही इज टेलिंग लेट हिम बी फ्री। शकार आश्चर्य वंडरफुल, मैंने तो सोचा था कि आज मैं गया काम से, अब तो मैं गया, बट इट इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉरगिव यू हैव गिवन टू मी, इट सोचने से ज़्यादा आपने अच्छे से मुझे मुक्त किया। सो ये जो फीलिंग होती है, जो दुश्मन की फीलिंग होती है जब वह अपने सामने वाले दुश्मन पक्ष के शरण में जाता है और वहाँ से जीवित आता है, तो वह उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होता है। सो इट वॉज़ अ वंडरफुल फीलिंग फॉर शका। प्रत्युजीवितो अस्मि, आई हैव बीन रिस्टोर्ड टू लाइफ, मैं फिर से जीवित हो गया आपसे जीवनदान पाके। इति पुरुषे स निष्क्रांतः एंड ही एग्जिस्ट विद द गार्ड्स, हु शकारः, शकारः गार्ड्स जो होते हैं, जो सेनानी होते हैं, जो सेना के लोग होते हैं, उसके साथ वह बाहर निकल जाता है अपना जीवनदान पाकर और नया जीवन पाकर। जब ज़्यादातर कैसा होता है कि दुश्मन पक्ष में अगर जाता है तो वह उसको मार ही देते हैं, मगर वह उसने उसको जीवनदान देकर उसको ज़्यादा उपकार से उसको लज्जित किया। सो दैट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी, कि किसी चीज़ का बदला चुकाना तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका बदला ठीक उसी तरह से किया जाए जैसे कि उन्होंने हमारे साथ किया था। दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू फॉरगिव एनीवन। फॉरगिव करना है तो उसको उसका जो अलग तरह से उसको हमें मुक्त करना चाहिए, यानी उपकार से उसको शर्म से और उसको पानी करना चाहिए। सो हियर देयर इज़ अ मीनिंग, एडजेक्टिव प्रोनाउन एडवर्ब्स पार्टिसिपल एंड कंपाउंड वर्ड्स इज ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट इन अ फैक्ट बुक, एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू नोट्स। थैंक यू।